10 मिनट सिर्फ लेने के अपने को। आ गए सब। मुस्कान, देखो क्या बता रहा था मैं, सर अभी सामने सुनो। द पैटर्न शिफ्ट ऑन द साइड ऑफ द स्लिट, पैटर्न स्लिट के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट हो रहा है? उसमें ग्लास प्लेट ऐड की। देर इज नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लेट। प्लेट की वजह से फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं हो रहा। और एक पॉइंट, द शिफ्ट इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज गिवन बाय x0 इज कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी एन माइनस वन टी। ठीक है, 3 पॉइंट याद रखो। देखो ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नेक्स्ट पीरियड में स्टार्ट करने का है। दो दो पीरियड में अपना ये लेसन खत्म हो जाएगा। उसके बाद लेसन नंबर 8 शुरू होगा, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अपने को लेसन 1 to 8 फर्स्ट यूनिट फर्स्ट टर्म एग्जाम। फर्स्ट टर्म एग्जाम में पहले 8 लेसन है। अपने टेक्स्ट बुक में 16 है, 16 में से आधे लेसन फर्स्ट टर्म एग्जाम में रहेंगे, तो वो याद रखो। चलो अब एक छोटा सा न्यूमरिकल देखते हैं। आगे के सब कितने आगे? सर सब बच्चे नहीं आए अभी, कम है। अभी जो मैंने पॉइंट बताया उस पर एक छोटा सा न्यूमरिकल करेंगे फिर बस। चलो इधर ध्यान दो। अब जो देखिए ऑप्टिकल पाथ, दो स्लिट रहते हैं यंग एक्सपेरिमेंट में, एक रहता है S1 दूसरा रहता है S2। तो S1 के सामने कांच की प्लेट रख दिए तो क्या होता? इंटरफेरेंस पैटर्न पूरा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो उस पर एक छोटा सा न्यूमरिकल देखते हैं, ध्यान से सुनो। व्हाट मस्ट बी द थिकनेस ऑफ ए थिन फिल्म, जो कांच की प्लेट रखनी की उसकी थिकनेस फाइंड करना अपने को। टी विच व्हेन केप्ट नियर वन ऑफ द स्लेट, एक स्लेट के सामने रखेंगे, शिफ्ट द सेंटर सेंट्रल फ्रिंज बाय 5 मिलीमीटर। वो कांच की प्लेट स्लिट के सामने रखेंगे तो क्या हुआ? स्लिट सेंट्रल फ्रिंज क्या हुई? 5 मिलीमीटर वहां से शिफ्ट हो गई। इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है 5400 एंगस्ट्रॉम यूनिट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द फिल्म, फिल्म जो मटेरियल की है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.1 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज 0.5 mm। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट मतलब स्मॉल डी दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? लैम्ब्डा 5400 एंगस्ट्रॉम यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ फिल्म एन 1.1 एंड शिफ्ट ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज कितने से शिफ्ट हुई? 5 mm से, और स्मॉल डी दिया हुआ है 0.5 mm। तो अब क्या फाइंड करना है? टी थिकनेस। देखो लेट टी बी द थिकनेस ऑफ द फिल्म एंड पी बी द पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द सेंट्रल फ्रिंज हैज शिफ्टेड। ड्यू टू द फिल्म केप्ट इन फ्रंट ऑफ स्लिट S1, द ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल बाय द लाइट पासिंग थ्रू इट इंक्रीजेस बाय टी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अभी देखे थे, टी इज इक्वल टू n-1, n दिया हुआ है, सॉरी टी इंटू n-1, n दिया हुआ है 1.1 माइनस 1 इज 0.1 इंटू टी। इतने ऑप्टिकल पाथ इतने से इंक्रीज होगा। हेंस द ऑप्टिकल पाथ बिटवीन टू बीम्स पासिंग थ्रू टू स्लिट्स आर नॉट इक्वल एट द मिड पॉइंट। ये ऑप्टिकल पाथ सेम नहीं रहेंगे, बट
दे आर इक्वल एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर इक्वल हो जा रहे, ऐसा न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, यहाँ ब्राइट पॉइंट मिल रहा वो है 5 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। एट दिस पॉइंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट फ्रॉम द अदर स्लिट एस टू टू द स्क्रीन इज लार्जर देन दैट फ्रॉम एस वन बाय पॉइंट वन टी। अभी फाइंड किए, पॉइंट वन टी से पांच डिफरेंस बढ़ गया। नाउ डिफरेंस इन डिस्टेंसेज मतलब एस टू पी माइनस एस वन पी का फॉर्मूला है y लैम्बडा अपॉन d, y लैम्बडा अपॉन d, वेयर y इज द डिस्टेंस अलोंग द स्क्रीन, वेयर y इज द डिस्टेंस अलोंग द स्क्रीन, ठीक है, 0.5 mm, एंड स्मॉल d इज गिवन टू बी 0.5 mm। देखो डिस्टेंस स्मॉल डी दिया है 5 mm, तो अब ये फॉर्मूला है एस टू पी माइनस एस वन पी मतलब 0.1 t, ठीक है, एस टू पी माइनस एस वन पी मतलब 0.1 t इज इक्वल टू वाई लैम्बडा अपॉन डी। देखो तो वाई का वैल्यू 0.005 लैम्बडा 5400 × 10⁻¹⁰ अपॉन डी स्मॉल डी 0.0005। इसको जब कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट वन को इधर लो, या बचेगा टी, टी का वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 5.4 × 10⁻¹⁵ mm और 0.054 mm। ऐसा इस पर एक न्यूमेरिकल था, ठीक है, समझ में आया। अब ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या रहता अपने को देखने का है। ये लेसन में लाइट के तीन फेनोमेनन स्टडी कर रहे थे। पहला क्या था, इंटरफेरेंस, पहला था इंटरफेरेंस, दूसरा था पोलराइजेशन, तीसरा है डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। किसको प्रॉब्लम हम तो पूछ लो, ठीक है, चलो फोन एक हो गया, मैं इसके लेक्चर के मैडम रास्ता दिख रहे हैं, चलो खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज सर।